गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का चैप्टर 7 का टॉपिक पास्कल के नियम के उपयोग लक्षण। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था इसी चैप्टर का टॉपिक द्रव्यिक तथा वायवीय प्रणाली का अनुप्रयोग। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे पास्कल के नियम के उपयोग लक्षण। पहला है ए, बल का बहुलीकरण, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसके प्रमुख उपयोगी लक्षण है कि इसके द्वारा बल को कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक प्रबंध चित्र में प्रदर्शित है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि इसमें हम बल को ना कई गुना मल्टीप्लाई बढ़ा सकते हैं। चित्र अनुसार बाईं तरफ एक कम व्यास का सिलेंडर एक एवं पिस्टन का प्रबंध दिखाया गया है। ठीक है, बाईं तरफ क्या है हमारा, कम व्यास वाला पिस्टन सिलेंडर, जबकि दाईं तरफ एक अधिक व्यास का सिलेंडर एवं पिस्टन का प्रबंध प्रदर्शित है। और दाईं तरफ हमारा क्या है, अधिक व्यास वाला पिस्टन सिलेंडर। पात्र में तेल भरा हुआ है, जब बाईं सिलेंडर पर लगे इनपुट पिस्टन पर जब बल लगाया जाता है तब दाब तीव्रता P1 इक्वल टू कितना हो जाएगी हमारी, F1 अपॉन A1, जहाँ A1 इक्वल टू इनपुट पिस्टन का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या है, इनपुट क्षेत्रफल बाई तरफ। ठीक है, पास्कल के नियम अनुसार आउटपुट पिस्टन पर दाब तीव्रता P2 P1 के बराबर होनी है। ठीक है, अब पास्कल के अनुसार P2 P1 के इक्वल होनी चाहिए, P2 इक्वल टू P1, तो P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2, जहाँ A2 क्या है, आउटपुट पिस्टन का क्षेत्रफल, और आउटपुट फोर्स हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से, F2 इक्वल टू P2 इंटू A2। अब F1 अपॉन A1 इक्वल टू P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2, तो यहाँ से F2 इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, A2 अपॉन A1 इंटू F1। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लीकेशन का होता। देखो इसमें पहले इधर हमने इधर इनपुट पिस्टन हो गया, ये आउटपुट पिस्टन हो गया, इधर हमने फोर्स लगाया तो इधर क्या हो जाएगा, इधर अगर फोर्स लगाते हैं F1 तो इधर फोर्स आ जाएगी मेरी F2, वो भी मल्टीप्लाई फोर्स। ठीक है, अब है बल का संचारण, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। चित्र में प्रदर्शित प्रबंध में भी है इनपुट पिस्टन जिसका क्षेत्रफल ए इन है पर एफ इन बल लगाया जाता है, तो बल को एक दूसरी स्थान पर जहां समान व्यास का सिलेंडर तथा पिस्टन लगा है समान परिमाण अर्थात एफ आउटपुट इक्वल टू एफ इनपुट से स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब चित्र में क्या दे रखा है कि एक इनपुट पिस्टन का क्षेत्रफल दिखा रखा ए इन है जिसका, उस पर हम एफ इन बल लगा रहे हैं, तो बल को दूसरे स्थान पर उसी समान व्यास के सिलेंडर पर हम ट्रांसफर्स कर सकते हैं, मतलब एफ आउटपुट इक्वल टू एफ इनपुट। तो एफ इनपुट अपॉन ए इन इक्वल टू पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट इक्वल टू एफ आउटपुट अपॉन ए आउटपुट, ए इन इक्वल टू ए आउटपुट हो तो एफ आउटपुट इक्वल टू एफ इन, ये इसका डायग्राम है। अब है पास्कल के नियम का प्रायोगिक अनुप्रयोग, बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस को पास्कल के नियम का प्रयोग करते विकसित किया गया है। हाइड्रोलिक प्रेस में एक छोटा सा बल निवेश करके एक बड़ा निर्यत बल प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस में क्या है, हम एक छोटा सा बल निवेश करके, मतलब बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, पास्कल के नियम पर काम करती है। ठीक है, और इसमें क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस में हम छोटा सा बल लगा के बहुत बड़ा बल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पास्कल के नियम से निकाय के प्रत्येक बिंदु पर दाब तीव्रता समान होती है। पास्कल के नियम के अनुसार कि निकाय पर हर बिंदु पर क्या होगी, दाब तीव्रता समान होगी, तो पी इनपुट इक्वल टू एफ इनपुट अपॉन ए इनपुट। ठीक है, अब पी आउटपुट इक्वल टू एफ आउटपुट अपॉन ए आउटपुट। ठीक है, अब पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट, तो यहाँ से दोनों इक्वल हैं तो एफ इनपुट अपॉन ए इनपुट इक्वल टू हो जाएगा एफ आउटपुट अपॉन ए आउटपुट, तो यहाँ से एफ आउटपुट अपॉन एफ इनपुट इक्वल टू ए आउटपुट अपॉन ए इनपुट। ठीक है, ये इसका बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस का पास्कल के नियम पे प्रायोगिक अनुप्रयोग है। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, चैप्टर 7 हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। चैप्टर 7 भी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में तुमने पढ़ा क्या क्या है,
एक द्रव्यमान प्रणाली, एक हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ा है तुमने इसमें। दूसरा एक वायवीय प्रणाली, ठीक है, एक न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है, फिर पढ़ा तुमने द्रव्यमान तथा वायवीय प्रणाली में तुलना, इसमें तुलना पढ़ी तुमने, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने पढ़ा द्रव्यमान तथा वायवीय प्रणाली का अनुप्रयोग, मतलब हाइड्रोलिक के अनुप्रयोग, वायवीय के अनुप्रयोग, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने पढ़ा पास्कल के नियम का उपयोग लक्षण, बल का बहुलीकरण, ठीक है, जिसमें ये आ गया था तुम्हारा फॉर्मूला, क्या आया था, एफ टू इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन इंटू एफ वन, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा था बल का संचारण, इसमें क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इक्वल ट्रांसफोर्स मतलब ट्रांसमिट करना, ठीक है। एक इसमें यह पढ़ा तुमने, इसमें क्या आया था, एफ इन अपॉन ए इन इक्वल टू पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट इक्वल टू एफ आउटपुट अपॉन ए आउटपुट, ये आ गया था इसमें, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा था पास्कल के नियम का प्रायोगिक अनुप्रयोग, ये लास्ट टॉपिक था। इसको क्या कहता है, बर्मा हाइड्रोलिक प्रेस, इसमें पास्कल का नियम ही प्रयोग किया है। इसमें क्या आ गया था, एफ आउटपुट अपॉन ए एफ इनपुट इक्वल टू ए आउटपुट अपॉन ए इनपुट, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर तुम्हारा भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 7, नेक्स्ट से चैप्टर 8 शुरू होगा तुम्हारा, ठीक है। थैंक यू।